बवासीर परिचय। बवासीर के रोग का इलाज करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि इसके होने का क्या कारण होता है तथा इसके लक्षण क्या हैं। एक, वैसे प्राचीन काल से ही देखा जाए तो सभ्यता के विकास के साथ साथ बहुत सारे असाध्य रोग भी पैदा हुए हैं। इनमें से कुछ रोगों का इलाज तो आसान है, लेकिन कुछ रोग ऐसे भी हैं जिनका इलाज बहुत मुश्किल से होता है। इन रोगों में से एक रोग बवासीर भी है। इस रोग को हेमोरॉइड भी कहते हैं। बवासीर को उर्दू में अर्श कहते हैं। यह रोग दो प्रकार का होता है। दो, बवासीर दो प्रकार की होती हैं, एक भीतरी बवासीर तथा दूसरी बाहरी बवासीर। भीतरी बवासीर। भीतरी बवासीर हमेशा धमनियों और शिराओं के समूह को प्रभावित करती है। फैले हुए रक्त को ले जाने वाली नसें जमा होकर रक्त की मात्रा के आधार पर फैलती हैं तथा सिकुड़ती हैं। इन भीतरी मसों से पीड़ित रोगी वहां खुजली और गर्मी की शिकायत करते हैं। यह बवासीर रोगी को तब होती है जब वह मलत्याग करते समय अधिक जोर लगाता है। बच्चे को जन्म देते समय यदि स्त्री अधिक जोर लगाती है तब भी उसे यह बवासीर हो जाती है। इस रोग से पीड़ित रोगी अधिकतर कब्ज से पीड़ित रहते हैं। भीतरी बवासीर के लक्षण। एक, इस बवासीर के कारण मलत्याग करते समय रोगी को बहुत तेज दर्द होता है। दो, इस बवासीर के कारण मसों से खून निकलने लगता है। बाहरी बवासीर। बाहरी बवासीर मलद्वार के बाहरी किनारे पर होती है। इस बवासीर के अनेक आकार होते हैं तथा इस बवासीर के मस्से एक या कई सारे हो सकते हैं। इस बवासीर के मस्सों के गुच्छे भी हो सकते हैं। बाहरी बवासीर के लक्षण। यह बवासीर तब होती है जब मलद्वार के पास की कोई नस फैल जाती है तथा फैलकर फट जाती है। फूली हुई नस के तंतु सूज जाते हैं। नस की कमजोर दीवारों से खून निकलकर जम जाता है तथा कठोर हो जाता है। रोगी को गुदा के पास दबाव और सूजन महसूस होती है और थोड़ी देर के लिए तेज दर्द होने लगता है। दोनों प्रकार के बवासीर रोग के लक्षण निम्नलिखित हैं। एक, अंदरूनी बवासीर में गुदाद्वार के अंदर सूजन हो जाती है तथा यह मलत्याग करते समय गुदाद्वार के बाहर आ जाती है और इसमें जलन तथा दर्द होने लगता है। दो, बाहरी बवासीर में गुदाद्वार के बाहर की ओर के मस्से मोटे मोटे दानों जैसे हो जाते हैं जिनमें से रक्त का स्राव और दर्द होता रहता है तथा जलन की अवस्था भी बनी रहती है। तीन, इस रोग के कारण रोगी व्यक्ति को बैठने में परेशानी होने लगती है जिसके कारण से रोगी ठीक से बैठ नहीं पाता है। चार, बवासीर दो प्रकार की होती है, एक खूनी तथा दूसरी बिना खून की। पाँच, एक बवासीर में तो मसों में से खून निकलता है और यह खून निकलना तब और तेज हो जाता है जब रोगी व्यक्ति शौच करता है। छह, इस रोग के कारण व्यक्ति को मलत्याग करने में बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोनों प्रकार की बवासीर होने के कारण निम्नलिखित हैं। एक, बवासीर रोग होने का मुख्य कारण पेट में कब्ज बनना है। 50 से भी अधिक प्रतिशत व्यक्तियों को यह रोग कब्ज के कारण ही होता है। दो, इसलिए जरूरी है कि कब्ज होने को रोकने के उपायों को हमेशा अपने दिमाग में रखें। तीन, कब्ज के कारण मलाशय की नसों के रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है जिसके कारण वहां की नसें कमजोर हो जाती हैं और आंतों के नीचे के हिस्से में भोजन के अवशोषित अंश अथवा मल के दबाव से वहां की धमनियां चपटी हो जाती हैं तथा झिल्लियां फैल जाती हैं जिसके कारण व्यक्ति को बवासीर हो जाती है। चार, यह रोग व्यक्ति को तब भी हो सकता है जब वह शौच के वेग को किसी भी प्रकार से रोकता है। पाँच, भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होने के कारण बिना पचा हुआ भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और निकलता नहीं है जिसके कारण मलाशय की नसों पर दबाव पड़ने लगता है और व्यक्ति को बवासीर हो जाती है। 6. शौच करने के बाद मलद्वार को गर्म पानी से धोने से भी बवासीर रोग हो सकता है। 7. तेज मसालेदार अति गरिष्ठ तथा उत्तेजक भोजन करने के कारण भी बवासीर रोग हो सकता है। 8. दवाइयों का अधिक सेवन करने के कारण भी यह रोग व्यक्ति को हो सकता है। 9. रात के समय में अधिक जगने के कारण भी व्यक्ति को बवासीर का रोग हो सकता है। ऊपर बताए गए कारणों के अलावा भी और भी बहुत से कारण हो सकते हैं।
अगर आप बवासीर से परेशान हैं और बहुत इलाज करने के बाद भी इससे छुटकारा नहीं मिला है तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा और अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ेगा। इलाज पूरी तरह से होम्योपैथिक होगा। किसी भी तरह की इंग्लिश दवाओं का इस्तेमाल नहीं होगा। दवा आपको घर बैठे मिल जाएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से कोई ऑपरेशन से बच जाए और आपको अपनी दुआओं से नवाजे। किसी भी बीमारी का होम्योपैथिक इलाज कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।